हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी और जेई के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। इससे पहले मैंने 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रखा है साथियों, वो सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में भी आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चनों में से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। 5 सेकंड के लिए हम शांत रहेंगे। आप मन में आंसर सोच सकते हो या नोट करके चलना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको करेक्ट ये बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ये आपके कमेंट करके ज़रूर बताना है। और फ्रेंड्स, एक और बात, जो भी साथी चैनल में नए हो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और साथियों सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। ध्यान देना साथियों, पहला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है, बताइए इनमें से शुद्ध तत्व कौन सा है। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। निम्न में से ये कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम ही है एक जो शुद्ध है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल होता है और इसका पीएच मान कितना होता है साथियों, 2.2। याद रखना, 2.2 साइट्रिक अम्ल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने के लिए। और साथियों जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट बन रहा है ये आप नोट करते चलना, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। अब साथियों आप बोलोगे अणुचुंबकीय होता क्या है, तो वह पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित ना हो उसे अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण ना हो। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य में होता है, क्या होता है साथियों सूर्य में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर बताना क्या आएगा। साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य में उपस्थित होता है, उसमें से हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 71% और हीलियम का प्रतिशत होता है 29%, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या सशब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9, मोपला विद्रोह का नेता कौन था। साथियों ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता था मुसलियार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। और साथियों मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में, याद रखना 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, कहाँ, मालाबार तट यानी केरल में, याद रखना केरल में 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है।
साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। और साथियों ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना आयरलैंड, आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। और साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कामागाटा मारू क्या था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ध्यान देना, कामागाटा मारू क्या था। साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। और किस प्रकार का जहाज था साथियों, नौ सैनिकों का जहाज था, नौ सैनिकों का जहाज था जो कनाडा की यात्रा पर निकला था, कामागाटा मारू याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने मानिखेत यानी मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने चार अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली मद निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा कुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करने के लिए लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2014 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पजनाथ पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। साथियों सभी नोट करते चलना, कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत, भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन 21, वह रोमन सम्राट अगस्तम की भांति सावधान था और वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। वह रोमन सम्राट अगस्तम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ किसका है। साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी जीतना। क्वेश्चन नंबर 24, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। साथियों ध्यान देना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव को हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड से। क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। साथियों ध्यान देना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, याद रखना आर्टिकल 315 के अंतर्गत संविधान में राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान
किया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा था। और साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिशनदास। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? और साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग व थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयाग व थानेश्वर में कराया था, याद रखना। साथियों कितने आपके स्कोर बने हैं 30 में से, ये कमेंट करके बताइए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल में नए थे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथियों बाकी मॉडल सेट का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो साथियों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।